दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार के शुभम बने यूपीएससी टॉपर, सीएम नीतीश ने दी बधाई। सातवें स्थान पर जमुई के प्रवीण। जी हां, बिहार के कटिहार जिला निवासी शुभम कुमार ने प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को जारी किए। जागृति अवस्था और अंकिता जैन ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। जमुई जिले के प्रवीण कुमार ने सातवीं रैंक हासिल की। किशनगंज जिले के अनिल बसाक को 45वीं रैंक हासिल हुई। खास बात यह कि शुभम, प्रवीण और अनिल तीनों आईआईटीएन है। परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 545 पुरुष और 216 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके शुभम को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण में महिलाओं ने दिखाया उत्साह, 59.85% हुई वोटिंग। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव का पहला चरण छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस चरण में राज्य में शाम 5 बजे तक 59.85% वोटिंग हुई। वोटिंग में महिलाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से लगभग 9% का ज्यादा रहा। इस दौरान राज्य भर से मात्र 37 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें बूथ कैप्चरिंग की 6 शिकायतें हैं। कुल 26 लोगों को गड़बड़ी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मतदान के दौरान मास्क लगाना जरूरी है। जो व्यक्ति बिना मास्क के मतदान केंद्र आएगा उससे ₹50 का जुर्माना वसूला जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में एएनएम स्टाफ नर्स के 8053 पदों पर भर्तियां, अब 3 अक्टूबर तक करें आवेदन। जी हां, बिहार में एएनएम स्टाफ नर्स के 8853 पर भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अभ्यर्थी अब 3 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने इस भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 5/2021 के तहत योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से 1 जुलाई 2021 से 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से जारी ताजा नोटिस के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस भर्ती के लिए अब एएनएम के संविदागत पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने की दिनांक 3 अक्टूबर 2021 तक विस्तारित की गई है। इस भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थी संविदा नियुक्त के तहत तैनात किए जाएंगे, जिन्हें ₹11,500 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी, कोरोना टीका का सर्टिफिकेट लेकर मेला घूमने जाएंगे लोग। नीतीश सरकार ने तय किया ये नया नियम कानून। जब बिहार में आज 25 सितंबर को अनलॉक 6 की मियाद पूरी हो रही है। कल 26 सितंबर से बिहार सरकार ने अनलॉक के 7वें फेज का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 7 के नियम कानून को लेकर सरकार ने नए गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस बार विशेषकर दुर्गा पूजा और अन्य पर्व त्योहार को लेकर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। नीतीश सरकार के नए गाइडलाइन के मुताबिक इस बार लोगों को दुर्गा पूजा में कोरोना के टीकाकरण संबंधित सर्टिफिकेट लेकर मेला घूमने जाना होगा। बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने को लेकर अनलॉक 7 का ऐलान किया और इसकी गाइडलाइन भी जारी की। इस नए गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और मेला को लेकर साफ साफ यह लिखा गया है कि किस स्थिति में जिले के डीएम दुर्गा पूजा में पंडालों और मेला की अनुमति देंगे। सीएम नीतीश ने साफ निर्देश दिया कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे उनके लिए कोविड जांच जरूरी है। मतलब साफ है कि बिहार में जो लोग दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के मौके पर आएंगे वह कोविड जांच जरूर कराएंगे। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर बनने वाले पंडालों या स्थानीय मेला का परमिशन देने के लिए जिला प्रशासन को 2 विशेष चीजों पर ध्यान देना होगा। संबंधित पंडाल या मेला प्रबंधक और कार्यकर्ताओं ने कोरोना का टीका कम से कम 1 डोज ली हो। पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृत किए जाने वाले स्थान की घेराबंदी की जाए और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था की जाए।
अगली बड़ी खबर, 15 नवंबर तक बिहार में खुल जाएंगे आंगनबाड़ी और बच्चों के सभी स्कूल, नीतीश सरकार का फैसला। जी हां, बिहार में 15 नवंबर तक आंगनबाड़ी और बच्चों के सभी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब बिहार में 15 नवंबर के बाद सभी स्कूल पूर्णतः खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, किसानों के भारत बंद को महागठबंधन का समर्थन, जातिगत जनगणना पर केंद्र के फैसले पर भड़के तेजस्वी। जी हां, किसानों के 27 सितंबर के भारत बंद को महागठबंधन का भी समर्थन मिल गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हलफनामा दायर किया है कि जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी। राजद ने इसका विरोध करते हुए शुक्रवार को महागठबंधन के एक तमाम दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी देवी आवास पर करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी। इससे साफ है कि केंद्र में बैठी आरएसएस विचारधारा वाली जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना होने से यह भी पता चलेगा कि आरक्षण में जिन जातियों को लाना है और किन जातियों को नहीं लाना है। देश भर में 80-90% लोग चाहते हैं कि उनकी गिनती हो, इसीलिए मैं देश भर में अपने जितने भी सहयोगी दल है जातिगत जनगणना को लेकर हम उन्हें पत्र लिखेंगे। अगली बड़ी खबर, देश में इस वजह से जातीय जनगणना नहीं है संभव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताई वजह। जी हां, जाति आधारित जनगणना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर इसे कराने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने हलफनामा में इसे नहीं कराए जाने के कारणों को बताते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें कहा गया है कि कुछ वर्ष पहले कराए गए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में 4,28,000 जातियों का जिक्र है। जायसवाल ने आगे कहा कि इसमें सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी की 484 जातियां बता दी गई है। ऐसी स्थिति में जाति आधारित जनगणना करना संभव नहीं है, क्योंकि जनगणना के लिए 4,28,000 कॉलम बनाना होगा, जो कहीं से संभव नहीं है। बड़ी खबर, बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 7 दिनों तक बारिश के आसार नहीं। जी हां, बिहार में मानसून कमजोर हो गया है। अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने मानसून के निष्क्रिय होने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। इधर गुरुवार को बिहार में औसतन 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 1,021.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 17 सितंबर से 23 सितंबर तक बिहार में केवल 26.7 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 38% कम रही है। बड़ी खबर, राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का किराया घटा, पास की भी ले सकेंगे सुविधा। जी हां, बीएसआरटीसी ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 10 रुपये तक की कमी की है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई है। साथ ही शुक्रवार से ही यात्रियों को दैनिक, वीकेंड और मासिक पास भी जारी किया जाएगा। इसकी दरें बीएसआरटीसी ने घोषित कर दी है। गांधी मैदान से दानापुर जंक्शन तक सभी पास मान्य रहेंगे। इलेक्ट्रिक बस के ये पास सीएनजी बसों के लिए भी मान्य होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नगर सेवा के इलेक्ट्रिक बसों में मंथली पास सेवा भी शुरू कर दिया गया है। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। एक ही पास पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस में यात्रा कर सकेंगे। महिलाओं को विशेष रियायत दी गई है। बड़ी खबर, बिहार के हर प्रखंड को मिलेगी आधुनिक एम्बुलेंस, 102 पर फोन कर मुफ्त में ले सकेंगे सुविधा। जी हां, बिहार के हर प्रखंड को निकट भविष्य में एक एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस दी जाएगी। यह जीवन रक्षक एम्बुलेंस सभी प्रकार के संसाधनों से लैस होगी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही आईसीयू जैसे उपकरण भी लगे होंगे। मरीज के घर से अस्पताल पहुंचने की अवधि में ये जीवन रक्षक यंत्र उसकी जान बचाने में मदद करेंगे। कोरोना काल में एम्बुलेंस के उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने सभी 534 प्रखंडों को एक एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस देने की योजना पर सहमति दी है। साथ ही सरकार ने बिहार के लोगों के लिए एम्बुलेंस की सेवा मुफ्त कर दी है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति 102 पर फोन करके मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी एम्बुलेंस बुक करने की सुविधा प्रदेश में बहाल की जा चुकी है।
अगली बड़ी खबर, पटना की तर्ज पर वेंकटपुर व सोनपुर में होगा गंगा आरती। पर्यटन मंत्री बोले, अन्य शहरों की भी है तैयारी। राजधानी के गांधी घाट की तर्ज पर जल्द ही राज्य के दूसरे शहरों में भी नियमित गंगा आरती शुरू होगी। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के निर्देश पर विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सबसे पहले 7 अक्टूबर को गोपालगंज के वेंकुटपुर में गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। मंत्री के अनुसार यहां भी नियमित हर शनिवार व रविवार को गंगा आरती आयोजित की जाएगी। इसके बाद जल्द ही सोनपुर में हरिनाथ नाथ मंदिर समीप घाट पर भी गंगा आरती शुरू की जाएगी। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन भुगतान के लिए राशि जारी। जी, बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 66,104 पंचायती राज और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 की राशि जारी की है। इससे इन शिक्षकों के अगस्त से नवम्बर तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार के 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, साइकिल और स्कूली ड्रेस को लेकर जानिए क्या है आदेश। जी हां, बिहार कैबिनेट प्रदेश के 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कैबिनेट में फैसला किया गया है कि पहली से 12वीं तक के सभी 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा। बिहार सरकार ने एक साल यानी कि 2021-22 के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और अंत की बड़ी खबर, बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी, जाने 555 पदों के लिए कब से होंगे आवेदन। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार की देर शाम 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के 555 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 30 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले तक के विभागों से आने वाली वैकेंसी को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे में संशोधन होने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि तक स्नातक पास होने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक 133 पद, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद, बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद, प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 52, राजस्व अधिकारी व समकक्ष के 36 पद शामिल है। आज के लिए आपका सवाल, बताए कि आज होने वाले IPL मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।